हेलो पब्लिक एवरीवन, तो कैसे हो सभी लोग। सर हाल ही में जो है IISc का BTech प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आपको जो उसके अंदर अप्लाई करना है। और हालांकि अगर अपन बात करें तो यार पहले जो UG कोर्सेज था जिसकी लास्ट डेट थी 31 मई, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ओके, सो जस्ट अभी देख लेते हैं हम बीटेक का जो कोर्सेस है वो पहली बार IISc के अंदर बीटेक यूजी प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। और जस्ट जो है कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स में बीटेक का क्या स्कोप है क्या नहीं है, इसका वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, देन जो है आपके पास सेम प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो जस्ट आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। ओके, एंड अगर आपने जस्ट तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो क्लिक हेयर टू न्यू अप्लाई एंड जस्ट यहाँ पर सिंपल अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ, सो जो है मैंने अपना नाम डाल दिया, पासवर्ड मैंने फिल कर लिया है, डीओ भी डाल दी है, ईमेल आईडी डाल दी है, देन जो है अपना जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया एंड ये कैप्चा डाल के मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। ओके, अब आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, राइट। सो आपको क्या करना है अभी, अगर आपने भी रजिस्टर कर रखा होगा किस मोमेंट पे, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों ने जो है KVPY के लिए अप्लाई कर रखा होगा, राइट। सो ये आपको जो है बड़ा अपडेट आ सकता है इसके रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वही रखना है एंड जस्ट सिंपल उसी पे जाना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, जैसे कि मैं करता हूँ अभी IL7X स्मॉल एस। ओके, सो यार सिंपल प्रोसेस है। जिन भी स्टूडेंट ने अगर पहले जो है KVPY के थ्रू JEE के थ्रू अगर अप्लाई नहीं कर रखा है देन उनको जो है न्यू रजिस्टर करना है। अगर जिन स्टूडेंट ने KVPY के थ्रू अप्लाई कर रखा है या फिर JEE मेन के थ्रू ऑलरेडी जो है बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च के लिए अप्लाई कर रखा है उनको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर बीटेक प्रोग्राम, तो सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। अब जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड बीटेक इन बैचलर ऑफ साइंस एंड दोनों, तो जस्ट हमको इस पे जाना है एंड इस पे जाने के बाद जस्ट लाइक फिर से ये फॉर्म ओपन हो गया है कि आपको कोई करेक्शन वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। तो मेरी ये सिंपल जो मैंने डाल रखी थी वो आ चुकी है। ओके, एंड जस्ट मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ एंड जो भी फिर से सिंपल डिटेल आ गई है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 10th मैंने कब पास किया था, जैसे 2020 में, इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है मेरे को, तो मैं डाल देता हूँ जैसे मैंने SPS लोसल से किया है, देन लोकेशन डाल देता हूँ मैं सीकर राजस्थान, देन बोर्ड में डालूंगा राजस्थान बोर्ड। ओके, एंड परसेंटेज डाल देता हूँ मैं 96 परसेंटाइल, देन जो है आपको सेव करना है। ओके, अब आपको जो है 12th की डिटेल मांगेगा, ये 12th जस्ट आपको डालना है 2022 एंड इंस्टीट्यूशन डालेंगे आप SPS दोस्तों, में डाल देता हूँ प्लेस सीकर एंड बोर्ड डाल देते हैं, जैसे कि बोर्ड है मेरा राजस्थान। देन जो है सब्जेक्ट डालेंगे हम, जैसे कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, लैंग्वेज इंग्लिश था। ओके, एंड जैसे कि इंग्लिश और हिंदी। ओके, आपका कोई बायोलॉजी वगैरह हो तो आप वो भी डाल सकते हो एंड स्टेटस आप अपीयरिंग और पास दोनों डाल सकते हो। ठीक है, देन फिर से मैं सेव करूंगा। ओके, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के बाद इसकी एलिजिबिलिटी सिंपली अगर मैं चेक करूँ तो दिस इज एन JEE एडवांस बेसिस, तो इफ द रिजल्ट ऑफ JEE एडवांस हैज बीन डिलेक्ट जस्ट लाइक रिलीज, देन आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। अगर रिलीज नहीं होता है देन आपको जो है नो सेलेक्ट करना है। ओके, सो यार जस्ट JEE एडवांस देना कंपलसरी है, अगर आप JEE एडवांस नहीं देते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज। ओके, सो JEE एडवांस मैंने सेलेक्ट किया, अभी मेरे से पूछेगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो जैसे मैंने यहाँ पे येस क्लिक किया तो मेरे से रोल नंबर और ये रैंक वगैरह पूछ रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, देन मैं नो सेलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड जस्ट जो है अब भैया हमको जो है इसका रिजल्ट वगैरह कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा, राइट।
सर आपको जो है यहाँ पे सिंपली अभी सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जस्ट थोड़े दिन के बाद, आज से कुछ दिन के बाद आपको जो है फिर से एक रिलीज किया जाएगा नोटिस वगैरह, एंड आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा अपडेट के रिगार्डिंग, और आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें अपडेट कर पाएंगे जैसे कि ये जो हमें दिया गया है आपका रिजल्ट, और आपको जैसे यहाँ पे डाल देना है आपका रैंक वगैरह, और जस्ट 500 रुपये मेरे को पे करने हैं। ओके, तो जस्ट पे एंड सबमिट पे मैं जाऊँगा। तो जस्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR कोड है, आप इसे जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट अभी जस्ट मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, और आपको KVPY में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान थे, मेरे पास बहुत सारी क्वारी आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि भैया इश्यू आ रहा है हमें। सो जो भी KVPY वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे गए एंड जस्ट प्रोसीड पे क्लिक किया, जैसे कि ये फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है, तो यहाँ पे जो आपको पहले टेंथ सेलेक्ट करना है, टेंथ की डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेव का ऑप्शन क्लिक करने के बाद ट्वेल्थ की डिटेल डालनी है, एंड ट्वेल्थ की डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन करना है। ओके, एंड जो भी है इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है पहले आपको अपना टेस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे आप किसके थ्रू जाना चाहते हो, अगर आपने KVPY SA सेलेक्ट किया देन आप ऐसे पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। फिर अगर आपका कोई एग्जाम है जैसे SX अगर आप देना दिया है आपने, उसकी डिटेल डालेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देन फिर से जो है आप क्या करेंगे, अगर आप JEE मेन के थ्रू जाना चाहते हैं देन JEE मेन की डिटेल डालेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, JEE एडवांस के थ्रू आप जाना चाहते हैं देन JEE एडवांस डालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। ओके, वैसे सेम टू सेम NEET UG वगैरह जो भी आपका सारा सीन हो, राइट। सो यार फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सारा का सारा फॉर्म दिया गया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा पेमेंट करने के अंदर इश्यू आ सकता है, तो पेमेंट तो आजकल जो है सारे के सारे बच्चे गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, तो उसमें आई थिंक आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और यार हमारा जो है मिशन काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग, जिसके अंदर आपकी पूरी हेल्प की जाती है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्सेस है, कौन सा बेस्ट कोर्सेस नहीं है। सो इसके लिए जो है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर एक नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर मिशन गारंटेड काउंसलिंग एडमिशन एंड प्रोग्राम्स आर रनिंग, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या करना है फ्यूचर में, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कितना आपका प्लेसमेंट होगा, कहाँ पे आप जॉब करोगे, इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर बीटेक में कहाँ आपको जस्ट लाइक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। और एक स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि भैया मेरे को जैसे IIT दिल्ली के अंदर जो है मिल रहा है कंप्यूटिंग के अंदर, एंड एक मेरे को IISc बेंगलोर में मिल रहा है, तो मैं कौन सा अडोप्ट करूँ, तो यार जस्ट आप जो है IIT दिल्ली ही अडोप्ट करो। और जैसे आपको सिलेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, अगर आपका IIT दिल्ली में, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर में एडमिशन हो रहा है, या फिर अच्छे NITs में एडमिशन हो रहा है, देन आप IISc बेंगलोर लोगे या फिर वो कॉलेज लें, भैया हम कौन सा सेलेक्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टॉप कॉलेजेज ही होनी चाहिए, और हालांकि जस्ट जो है यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है इसके रिगार्डिंग कि भैया जो है हमारा IISc बेंगलोर में तो ये फर्स्ट ईयर में होने वाला है, पहली बार कोर्स लॉन्च हुआ है, तो इसका क्या स्कोप है, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होगा। श्योर IISc बेंगलोर इज द फर्स्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट इन रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है जनरली, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके डेटा स्ट्रक्चर है, आपका जो डेटा जो स्टोर किया जाता है उसको जस्ट हम बोलते हैं कंप्यूटिंग वगैरह, और जो हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर के कोड वगैरह लिखते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो जस्ट आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका किसी अच्छे IIT में, अच्छे NIT में हो रहा है, देन आप उसके लिए फर्दर जा सकते हो, एंड आपका जस्ट किसी लोकल कॉलेजों में या फिर जो बच के जो IIT जो उसमें अगर हो रहा है, देन जस्ट आप जो है एक्सेप्टेड एंड कंप्यूटर साइंस आपका उनमें हो रहा है, देन आप उसमें ले लें, देन उसके बाद जो है आप इसमें जा सकते हैं। वैसे कंप्यूटिंग का भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं और आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका फर्स्ट ईयर है इस कोर्स का बीटेक का, लेकिन कॉलेज बहुत पुराना है, फैकल्टी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत मिलेगा, इक्विपमेंट बहुत अच्छे मिलेंगे, लैब्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, ब्रिलियंट दोस्त होंगे, ठीक है। तो जस्ट आप उसके लिए बिल्कुल घबराए नहीं, और जैसे आपको वहाँ पे ना जस्ट लाइक ऐसे आप समझ लो कि रोबोट टाइप आप हो जाओगे,
और आपको अपने फील्ड पे फोकस पे स्टडी रखना पड़ेगा, अपने आप माहौल ऐसा बन जाएगा, राइट? सो ये सब